आज हमसे 10 मिनट में बनके रेडी हो जाए ऐसा ब्रेड का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, सुबह या शाम कभी भी नाश्ते में बना के सर्व कर सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं ब्रेड का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। आधा कप बेसन लिया है, इसे बाउल में डाल देंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्ची, 1 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 हरी मिर्ची को बारीक काट के लिया है, ये अंदर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून जीरा, 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 2 पिंच हींग ली है, ये अंदर डाल देंगे। 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएंगे। बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे। बैटर को इतना गाढ़ा ही रखेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। आधा कप पानी दिया था, इसमें से 1/4 कप और 1 टेबलस्पून पानी डाल के बैटर बनाया है। ब्रेड की स्लाइस ली है, इसे हम बीच में से कट करेंगे। पिज्जा कटर से इस तरह से बीच में से कट लगाना है। इस तरह से बीच में से ब्रेड का पीस निकाल लेंगे। इस तरह से ब्रेड को कट करेंगे। फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर को मेल्ट करेंगे। पैन में इस तरह से बटर को फैला लेना है। ब्रेड की किनारी का पीस कट किया है वो अंदर रखेंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और बैटर हमने बनाया है ये बीच में डालेंगे। 2 टेबलस्पून जितना बैटर डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब देख सकते हैं ऊपर से ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, मैंने एक चीज स्लाइस ली है इसके ऊपर रखेंगे। बीच में से जो हमने ब्रेड का पीस निकाला था वो इस तरह से ऊपर रखना है और इसे पलट लेंगे। धीरे से पलट लेना है, लाइटली प्रेस करके इसे कुक करेंगे धीमी आंच पे। थोड़ा सा बटर डालेंगे, इस तरह से ब्रेड को घुमा के कुक करना है, धीमी आंच पे ही कुक करना है। ऊपर थोड़ा बटर लगाएंगे, पलट लेंगे, थोड़ा सा बटर लगाएंगे साइड में, ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बटर लगाएंगे, नीचे से थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे कुक करेंगे। लाइट ब्राउन कलर आ गया है तो इसे निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी का नाश्ता भी बनाएंगे। अभी हम दूसरा बिना चीज का बनाएंगे। फ्राई पैन में 1 टीस्पून बटर डालेंगे। ब्रेड का किनारी का हिस्सा अंदर रखेंगे। बैटर डालेंगे, बीच का पोर्शन हमने कट करके निकाला था ये पीस अंदर इस तरह से ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इस तरह से हल्का हल्का दबा देना है इसे। ऊपर थोड़ा बटर लगाएंगे, धीरे से पलट लेंगे, इस तरह से हल्का दबा के इसे कुक करेंगे तो बीच का ब्रेड का पीस जो हमने रखा है वो अंदर अच्छे से चिपक जाएगा। थोड़ा सा बटर डाल के कुक करेंगे, इस तरह से घुमा के धीमी आंच पे ही कुक करना है। पलट लेंगे, इस तरह से लाइट ब्राउन कलर आ जाए तभी इसे पलट लेना है। साइड में भी थोड़ा बटर लगाएंगे, साइड साइड से थोड़ा दबा के इसे कुक करेंगे। दोनों साइड से उलट पलट के ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे कुक कर दिया है। निकाल लेंगे, इस तरह से बाकी का नाश्ता भी बनाएंगे। पैन में थोड़ा बटर डालेंगे, ब्रेड का किनारी का हिस्सा अंदर रखेंगे, बैटर डालेंगे, बहुत ज्यादा बैटर नहीं डालना है, 2 टेबलस्पून जितना बैटर इसमें डालना है। प्रोसेस चीज को कद्दूकस करके लिया है,
ये ऊपर थोड़ा डालेंगे इस तरह से। आप इसके ऊपर मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं। ब्रेड का पीस हमने कट किया है बीच का, ये ऊपर इस तरह से रख देंगे और हल्के हाथ से दबाएंगे, हल्का हल्का प्रेस कर देना है। इसके ऊपर थोड़ा बटर लगाएंगे, पलट लेंगे। ये हो गया है तो इसे निकाल लेंगे। ब्रेड का नाश्ता बनके रेडी हो गया है, इसे कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अंदर से भी ये कितना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत ही टेस्टी ब्रेड का नाश्ता बनके रेडी हो गया है। मैंने इसे हरी चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।